आदाब। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की योजना में अंधेरे करने वाले 3 आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। जहां मुरादाबाद में एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, वहीं आरोपी लगातार दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद नगर निगम की लाइटों को चुराने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यहाँ पे नगर निगम ने जिला मुरादाबाद के सौंदर्यकरण के लिए घाट रोड के आसपास बुलार्ड लाइटें लगाई थी, और जिससे कि ये सुंदरता बढ़े मुरादाबाद की। यह जो कार्यक्रम था, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर किया गया था। इसमें पिछले कुछ दिनों से शिकायतें आई थी कि यहाँ पे जो नई लाइटें लगाई गई है, ये लगातार रूप से चोरी हो रही थी। इस संबंध में पहले भी एक मुकदमा पंजीकृत करके 3 लोगों को जेल भेजा गया था, और उनके पास से लाइटें बरामद की गई थी। उसमें उसी दौरान जो उनसे सूचना मिली थी, उसी के तहत कुछ मुलजिमों की तलाश थी, जो कि अभी 3 मुलजिम उस दौरान उसी के कंटिन्यूएशन में पकड़े गए हैं, और इस पे इनके पास से 17 लाइटें बरामद हुई हैं, 17 पुलार्ड लाइटें बरामद हुई हैं। और इसके अलावा इनसे बातचीत में यह भी निकल के सामने आया कि ये सब लाइटें चोरी करके ये अपने नशा का शौक पूरा करते थे, और इनके पास से स्मैक भी बरामद हुआ है। और इनको गिरफ्तार करके थाना सिविल लाइन पुलिस ने, जो कि लगातार घटनाएं पूरी थी, उस पर आवश्यक रूप से रोक लगी थी। यह 3 के 3 जो इनके नाम है, दिलशाद शेख, सरताज और पन्ना, ये 3 के 3 असालतपुरा के रहने वाले हैं। मूलतः ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इनके पास इनके ऊपर पूर्व में भी चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। तो ये लगातार मतलब अपने नशे के शौक पूरा करने के लिए घटनाएं किए हैं, और अभी भी इनको भेजने के बाद इस चोरी की इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर रोक लगेगी। सर, पूर्व में जो एक घटना हुई थी, क्या उसमें भी इन लोगों का हाथ था चोरी की? पूर्व में जो 3 लोग पकड़े गए थे, उन लोगों ने यह बताया था कि इस तरह की घटना करने वालों में कुछ और लोग भी शामिल हैं, तभी से इनकी निरंतर तलाश चल रही थी। इसी दौरान कुछ और घटनाएं हुई थी लाइट टूटने की, तो उसी के संबंध में ये पकड़े गए हैं। सर, ग्रुप में ये 3 सदस्य हैं या और भी इनके सदस्य हैं? अभी इनसे पूछताछ में कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं, हालांकि उन्होंने लाइट के संबंध में नहीं है, बट इनके साथी हैं जो कुछ और इस प्रकार के अन्य छोटी मोटी चोरी करते हैं, उनको तलाश की जा रही है, और उनको भी पकड़ के जल्दी भेजा जा रहा है। ठीक है।